आज हम बात करने वाले कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बिगनर है, अपने लिए वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहता है, अपने लिए ब्लॉग क्रिएट करना चाहता है, तो कहाँ से वो फ्री में वर्डप्रेस होस्टिंग खरीद सकता है, कैसे उसको परचेस कर सकता है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बिगनर है, अगर वो सीखना चाह रहा है वर्डप्रेस, तो उनके पास होस्टिंग खरीदने के लिए पैसे नहीं हो। आपको बताने वाले हैं कि फ्री में आप कैसे वर्डप्रेस होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। और आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल के भी आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम पांच ऐसे होस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से कोई भी बिगिनर या कोई भी स्टूडेंट अपने लिए वर्डप्रेस होस्टिंग क्रिएट कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। अगर मैं सबसे पहले नंबर पर अगर बात करूँ तो जो फ्री का होस्टिंग है वो wordpress.com है। वर्डप्रेस बेसिकली आप जानते होंगे, wordpress.com आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करता है। इसमें आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या फीचर देता है। तो वर्डप्रेस जो भी आप होस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ है कि आप उसका थीम यूज़ कर सकते हैं। फ्री के जो भी वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं आप उसको ही इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई अदर दूसरे प्लगइन आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और जो भी वेबसाइट होगा वो SEO फ्रेंडली होगा, फ्री सब डोमेन मिल जाता है। बेसिकली अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब डोमेन पे भी आप यूज़ करके सीख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, बिगनर के लिए है। वर्डप्रेस इंस्टॉल कीजिए, इसको सीखिए। इसमें एक और चीज़ है कि ये आपको 1 ईयर के लिए ही सब चीज़ यहाँ पे फ्री मिलता है, आपको दूसरे ईयर से आपको यहाँ पे करना पड़ता है। आपको यहाँ पे 3 GB स्पेसेस मिल जाता है, आपको ऑटोमेटिक बैकअप मिल जाता है और आपको कस्टमाइज थीम मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी थीम चूज़ करके अपने लिए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। कोई डिसएडवांटेज यही है कि आपको कोई भी सी पैनल नहीं मिलता, आपके सी पैनल पे आप खुद का कंट्रोल नहीं होता। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ जो फ्री का होस्टिंग है, 000webhost.com। 000webhosting के अगर फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप सिंगल क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे PHP और SQL उसका सपोर्ट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 GB ब्रैंडविड्थ मिल जाता है। अगर फ्री होस्टिंग में बात करूँ तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। अगर मैं तीसरे नंबर पर बात करूँ वो tenxhosting.com है। tenxhosting.com ये प्योर क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है। आप यहाँ पे लेटेस्ट PHP और MySQL इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक जो डिसएडवांटेज है, आपको कोई भी चैट सपोर्ट या कुछ भी आपको टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट वो नहीं मिलता है। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूँ जो फ्री का होस्टिंग है, वो AccuWeb Hosting है। बेसिकली AccuWeb Hosting की वेबसाइट पे ये कहा गया है कि AccuWeb Hosting जो भी वेबसाइट क्रिएट किया गया है वो बेसिकली स्टूडेंट के पर्पस से ही किया गया है। स्टूडेंट कोई भी अगर है, इंजीनियरिंग का है या कोई भी अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे जाके वो सीख के उसको लाइव करके वो प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका पर्पस स्टूडेंट के लिए ही है, या कोई भी आपके क्लाइंट है, आप उनको कुछ भी दिखाना चाहते हैं तो इसके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। AccuWeb Hosting भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ पे बहुत कुछ आपको एडवांस फीचर मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी आपको स्पेसेस मिल जाते हैं, आपको ईमेल भी, आपको 25 ईमेल मिल जाते हैं। यहाँ पे फुल कंट्रोल आपका सी पैनल पे होता है। 2 GB तक SSD सपोर्ट मिलता है, आपको ब्रैंडविड्थ 3 GB का मिल जाता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने आपको बताया 25 आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी बनाना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री होस्टिंग को। अगर मैं पांचवें नंबर पर बात करूँ जो होस्टिंग है फ्री का, वो है bytehost.com। बेसिकली bytehost.com जो है बहुत पावरफुल वेबसाइट है, इसका यूज़र बैलेंस बहुत अच्छा है। पे आपको 5 GB तक स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ ब्रैंडविड्थ मिल जाता है, आपका कंट्रोल सी पैनल पे हो जाता है, यहाँ पे आपको 5 ईमेल मिल जाते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड आप डोमेन और पार्क डोमेन को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे PHP और MySQL सपोर्ट भी आपको मिलता है। और एक चीज़ मुझे जो यहाँ पे सबसे अच्छा लगा, आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट ये देता है। आपके जो भी फ्री डोमेन है यहाँ पे, उसमें आप सभी में SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट कर सकते हैं। जो भी कस्टम एरर पेजेस हैं उनको कंट्रोल करता है, उसको एरर फ्री करता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें आपको, लेकिन इसमें लिमिटेड सपोर्ट मिलता है। मैंने आपको यहाँ पे 5 फ्री के वर्डप्रेस होस्टिंग बताए हैं, आप इसको यूज़ कीजिए, जाके चेक कीजिए। बस मेरा यही कहना है कि अगर सीखने के पर्पज़ से अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली बहुत अच्छा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। आप कोई भी पेड सर्विस ज़रूर खरीदें, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल करके देखना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इस पर एक ब्लॉग भी बना रखा है, तो आपको अगर ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आपको लिंक
ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने सारा कुछ फीचर और उसके प्रो और कॉन्स मेंशन किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के भी आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।